हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। फरीदाबाद के सेक्टर 12 में सोमवार को कोरोना की जांच के लिए कैंप लगाया गया। इस दौरान कई पत्रकारों ने अपना कोरोना टेस्ट करवाया। इस दौरान हरियाणा न्यूज ने सिविल अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर कृष्ण कुमार से खास बातचीत की। वहीं उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के सिम्टम्स आने पर डरने की कोई भी जरूरत नहीं, तुरंत इसकी जांच करानी चाहिए ताकि समय रहते उचित इलाज किया जा सके। हम खड़े इस समय सेक्टर 12 जिला लघु सचिवालय में और यहाँ पर आज जो पत्रकार हैं उनके कोरोना के लिए टेस्ट किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तो तमाम टीम में बीके की डॉक्टर कृष्ण कुमार हैं, वो भी यहाँ पहुँचे हैं और जिले के तमाम पत्रकार हैं। डरना नहीं है और समान रूप से जैसे और अन्य बीमारियाँ हैं उनकी तरह ही इसको भी लेकर साथ में चलना है। मैं आपको उधर भी दिखा देता हूँ किस तरीके से जो है पत्रकारों के यहाँ पर टेस्ट किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टीम है डॉक्टरों की वो लगी हुई है और तमाम जो पत्रकार हैं फरीदाबाद के उनका यहाँ पर जो है पूरा टेस्ट किया गया है। ये पूरी किट है जहाँ आज तमाम डॉक्टरों ने पत्रकारों के टेस्ट लिए हैं और पहले भी एक बार पत्रकार टेस्ट करा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ सीएमओ हैं बीके अस्पताल के डॉक्टर कृष्ण कुमार जी। कृष्ण कुमार जी, आज क्या मुख्य उद्देश्य है इस कैंप का लगाने का? हमारा जो आज का मुख्य उद्देश्य है कि जितने हमारे मीडिया कर्मी पत्रकार बंधु थे तो हमने पहले भी 3 दिन अलग अलग अपने कैंप लगाए थे, तब क्योंकि हमारे मीडिया कर्मी हमारे जितने प्रेस से भाई हैं भी अक्सर मतलब घूमते रहते हैं 24 घंटे, तो भी किसी को संभावित है किसी को डाउट ना रहे उसके लिए ये कैंप लगाया स्पेशल। डॉक्टर साहब, बहुत से लोगों में आज भी दहशत है इस बात को लेके और शायद यही कारण है कि वो लोग सामने नहीं आते हैं, सिम्टम्स होते हैं लेकिन फिर भी छुपाने की कोशिश, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि कोरोना की अब तक जो हमारे पास स्टेटिक्स है जो नॉर्मल इंसान है ठीक ठाक है तो तकरीबन हमारे 209 में से 118 मरीज बिल्कुल ठीक भी हो चुके हैं, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सामने है, जाँच करवाएँ और ट्रीटमेंट की इलाज की पूरी सुविधा उपलब्ध है। तो कहीं ना कहीं लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें और इससे डरे ना, डरने का कोई सवाल नहीं होता है। अगर किसी को सिम्टम्स आते हैं तो खुलकर अपना इलाज करा सकते हैं, अपनी जांच करा सकते हैं ताकि समय रहते उसका इलाज किया जा सके। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज़ के लिए राजेंद्र दहिया।